ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, ऑयस्टर मशरूम को साल भर उगाया जा सकता है। होटल से लेकर घर तक मशरूम से बने व्यंजन लोगों के बीच खासे लोकप्रिय हैं। यही वजह है कि धीरे धीरे मशरूम की मांग बढ़ती जा रही है। वैसे आपको बता दें कि मशरूम को बाकी सब्जियों की तरह खेतों में नहीं उगाया जाता, बल्कि इसके उत्पादन की तकनीक थोड़ी अलग है। तो आप किस तरह से करें इसकी खेती, इसकी जानकारी लेते हैं विषय विशेषज्ञ ब्रज किशोर प्रजापति से। इसको की आमदनी आय को बढ़ाने के लिए जो है, आज हम किस प्रकार से ढिंगरी मशरूम या ओयस्टर मशरूम की खेती करें और इसकी खेती जो की है हम पूरे साल भर कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो मशरूम होती है या एक कवक है या फफूद है जो अपना भोजन जो है खुद नहीं बना पाती है, क्योंकि इस पर पर्णहरित या क्लोरोफिल जिसको बोला जाता है वह नहीं पाया जाता है। तो यह जो है किसी भी कार्बनिक पदार्थ जो है उसके ऊपर यह अपनी वृद्धि करती है और उसके द्वारा जो है फलक को जो है हमारे किसान भाई भी उसको बाजार में बेचकर जो है उसको आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आज हम केवल ओयस्टर मशरूम के बारे में बात करना चाहेंगे, जिसको ढिंगरी मशरूम भी बोला जाता है और वैज्ञानिक नाम प्लूरोटस है। किसान भाइयों, यदि हम ओयस्टर मशरूम की उन्नत किस्मों की बात करें तो इसमें प्रमुख है प्लूरोटस सुजोर काजू, प्लूरोटस फ्लोरिडा, प्लूरोटस फ्लेविलेटिस। आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। इसके उत्पादन के लिए जैसा कि मैं आपको बताया कि यह कार्बनिक पदार्थों के ऊपर उगता है, तो इसकी खेती जो मुख्य रूप से जो हमारी धान के पैरे होते हैं या जो भूसा होता है या गन्ने के जो छिलके होते हैं या घास होती है उस पर भी हम कर सकते हैं। लेकिन अच्छा, हमें अच्छा उत्पादन जो होगा पैरे पर और गेहूं के भूसे पर अत्यधिक प्राप्त होगा। भूसे को या पैरे को उपचारित करना होता है। उपचारित करने की रासायनिक विधि से भूसे को पैरे को उपचारित करने के लिए जो होता है 100 लीटर पानी जो है मुख्यतः आप 150 से 200 लीटर के ड्रम में आप लीजिए, उसमें जो है 150 ml एक फॉर्मेलिन नामक दवा आपको लेनी है। उसके अलावा जो है उसमें 7.5 से लेकर 10 ग्राम जो है बाविस्टिन, जिसके अंतर्गत कार्बेंडाजिन 50% नामक दवा पाई जाती है, उसका आपको उपयोग में लाना है। उन दो दवाओं को जो है 100 लीटर पानी में आप घोल लीजिए। घोलने के बाद जो है 10 किलो गेहूं का भूसा या पैरे को जो है आप उस पानी में डुबाकर आप जो है 16 से 18 घंटे के लिए आपको रखना होता है। तो मुख्यतः यह जो है आप शाम के समय 3 या 4 बजे करें, जिससे रात भर में जो है यह आपका 15 से 16 घंटे हो जाएंगे। 16 से 18 घंटे के बाद जो है आप इसको निकाल कर किसी भी जालीनुमा या टोकनी जो होती है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बाँस की होती है, उसमें आप निकाल कर इसको छान लीजिए। हमारा मुख्य उद्देश्य जो है इससे पानी का निथारना होता है, जिसके कारण हम इसमें अनुकूल अवस्था आने पर बीज का भराई कर सकें। तो हम इसको निकाल कर अतिरिक्त पानी को बहा दें। अब जो है हमें यह ध्यान रखना है कि बीज की भराई करें कब हम, तो आप दोनों हाथों में हथेलियों के बीच जो है एक भूसे को या पैरे को आप जो उपचारित किए हैं आप उसको दबाएं जोर से। अगर पानी निथरना या पानी निकलना बंद हो जाता है तब यह उचित अवस्था मानी जाती है बीज भराई के लिए। किसान भाइयों, ऑयस्टर मशरूम के स्पॉन की बिजाई करने के लिए भूसे में 68 से 70% नमी का होना आवश्यक होता है और इसके अच्छे उत्पादन के लिए 100 किलोग्राम भूसे में 3 किलोग्राम स्पॉन मिलाना जरूरी होता है। पॉलीथीन की जो साइज होती है वह 1 से 1 फीट जो होती है चौड़ी होती है, 1.5 फीट जो होती है वो लंबाई में होती है। तो पहली हमें यह ध्यान रखनी है कि जब भी हम बैग में बीज को भरेंगे तो एक मुट्ठी बीज जो है हम बैग के पन्नी के निचली परत में हम बिछाएंगे। उसके बाद जो है उस पर 2 इंच जो उपचारित हमारा पैरा है या निर्वही है उसको हम फैलाएंगे और उसको हम आहिस्ता आहिस्ता दबाते रहेंगे, जिससे उसमें हवा जो है वह जो है पूर्ण रूप से निकल जाए। अब हमें यह सावधानी रखनी है कि जो हमें अब निर्वही या जो भूसा है उसके ऊपर बीज का फैलाव करना है, मतलब दूसरी परत अगर हम बीज की डालनी है तो पन्नी के अंदर किनारे किनारे पर आपको डालना है। यह ध्यान रखें कि 2 परत के बीच बीज आपका ना पड़े, अन्यथा जो है बीज आपका सड़ जाएगा। इसलिए हर बार जो है आपको बीज जो है पन्नी के अंदर किनारे पर और भूसे के ऊपर फैलाना, इस प्रकार आप डालेंगे और लास्ट परत जो होती है उसके ऊपर जो है हल्का सा जो है आप बीज को फैलाव करके उसको आप रबड़ बैंड से उसको बांध दीजिए। और इसी प्रकार से दूसरी सावधानियाँ रखनी है कि पन्नियों में सभी में 10 से 12 छेद कर दे। अब आपको यह ध्यान रखना है कि आपको एक अंधेरे हुए कमरे में रखना था, जैसे खपरेल के घर हो सकते हैं या भूसे या पैरे के भी जो आप झोपड़ी बनाते उसके अंतर्गत भी कर सकते हैं या आपके पास पक्के मकान हैं।
इसके बाद ऑयस्टर मशरूम उत्पादन गृह की अच्छी तरह से सफाई कर लेना चाहिए, जिससे कि मशरूम में किसी भी तरह की बीमारी ना फैले। इसके अलावा मशरूम गृह का तापमान 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और आर्द्रता 70 से 85% तक बनाएं, जिससे कि ऑयस्टर मशरूम का विकास अच्छे प्रकार से हो सके। साफ सुथरा करके, धुलाई करके, तब आपको बैग जो है किसी भी अलमेरिया बना सकते हैं आप, या रस्सी में उसको लटका सकते हैं। लटकाने के आप 14-15 दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपका पूरा बैग जो है सफ़ेद धागे में के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। परंतु प्रतिदिन जो है आपको पानी का छिड़काव करेंगे तो पानी जो है पन्नी के अंदर जो है अवशोषित हो सके और कवक जो है मशरूम जो है उसके बीज की बढ़वार को वृद्धि प्राप्त हो। 14 से 15 दिनों के बाद आपको क्या करना, जब आपका बैग पूरी तरीके से सफ़ेद धागे के रूप में परिवर्तित हो जाए, तापमान जो है अगर आपका 35 डिग्री के आसपास है तो आप निश्चित रूप से पन्नी को जो है ब्लेड से काट कर आप हटा दीजिए। पन्नी काटने के 4थे या 5वें दिनों के बाद जो है आपको मशरूम जो है बैग में चारों तरफ से फैला हुआ मिलेगा, आप उसको चाकू से तोड़ लीजिए। फिर से दोबारा उसमें आप पानी का छिड़काव कीजिए और आपको अन्य दोबारा आपको एक प्लस और जो है मशरूम का मिलेगा। इस प्रकार से जो मशरूम का एक बैग का जो फसल चक्र होता है लगभग 35 से 50 दिनों का होता है और आपको एक बैग से औसतन जो है 1.5 से 2 kg मशरूम आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार जो है आप किसान भाइयों मेरे द्वारा बताई गई विधि को ढिगरी मशरूम ऑयस्टर मशरूम का अगर उत्पादन करते निश्चित रूप से आपको जो है अधिक लाभ प्राप्त होगा और जो है आप पैरे और निर्वाही का आप सही तरीके से उपयोग करके आमदनी प्राप्त कर सकते।